नमस्कार, आप देख रहे हो बहुजन हलचल। आज की सबसे बड़ी खबर, आप विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने किया रामचरितमानस का जिक्र, बोले ग्रंथ का बहिष्कार करें। बता दें कि दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने दिल्ली विधानसभा में मानस की एक चौपाई को कहते हुए ग्रंथ पर टिप्पणी की है। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा के दौरान कहा कि ऐसे ग्रंथ की पूजा नहीं करना जो ढोल गवार शूद्र पशु नारी को एक श्रेणी में रखकर मारने पीटने की बात करता है। आम आदमी पार्टी के नेता ने ग्रंथ का बहिष्कार किए जाने की मांग की है। बीते कई दिनों से चर्चा के केंद्र में रहे धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस से जुड़ा फिर से एक विवाद सामने आ गया है। दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन इसकी चौपाई को कहते हुए टिप्पणी की है। उन्होंने ग्रंथ में लिखे एक दोहे को बतौर उदाहरण पेश किया। इस दौरान उन्होंने आईपी कॉलेज में छेड़छाड़ का भी मुद्दा उठाया और एलजी के लिए कहा कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बता दें कि इससे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस पर टिप्पणी कर चुके हैं। दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम ने दिल्ली विधानसभा में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा के दौरान कहा कि किस ग्रंथ को भारत के अंदर कुछ लोग पूजते हैं, जो पिछले दिनों काफी चर्चा में रहा और उस पर शोर शराबा भी हुआ। वह ग्रंथ कहता है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ऐसे ग्रंथ की पूजा करना जो ढोल गवार शूद्र पशु और नारी को एक श्रेणी में रखकर मारने पीटने की बात करता है। आम आदमी पार्टी के नेता ने ग्रंथ का बहिष्कार किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ऐसे किसी भी धर्म के ग्रंथ में जिसमें महिलाओं की बात कही गई है, इंसान को इंसान न मानने की बात कही गई है, ऐसे सभी ग्रंथों का हमें बहिष्कार करना चाहिए। ऐसी बातों को ग्रंथ से सरकार अविलंब डिलीट करे, क्योंकि महिला उत्पीड़न इससे जुड़ा हुआ है। उन्होंने ग्रंथों में महिलाओं के कैरेक्टर के बारे में बुरी बातें लिखी हुई है। आईपी कॉलेज उपराज्यपाल के घर के बिल्कुल नजदीक है। वहाँ हुई लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के बाद उपराज्यपाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। राजेंद्र पाल गौतम के इस बयान के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी राजेंद्र पाल गौतम को घेरने में लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।